Hello everybody, welcome back. If this is your first time here, hi, my name is Tia. Welcome to my YouTube channel. So, आज मैं आपको ये लुक दिखाने वाली हूँ जो कि जैकलिन फर्नांडिस के इस लुक से काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड है. ये लुक गर्मियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है बिकॉज इट इज़ ह्यूमिडिटी प्रूफ, इट इज़ स्वेट प्रूफ और आई विल शो यू हाउ यू कैन अचीव दिस वेरी ईजिली. आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बट यू गाइज इट वॉज सो ईजी. लेट्स गेट राइट इन टू इट. तो सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे अपना आई शेडो बिकॉज हम इसमें डार्क कलर्स यूज़ कर रहे हैं काफ़ी और अगर वो आपके बेस मेकअप के ऊपर गिर जाए तो हटाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है. इसके लिए आप कोई भी न्यूट्रल पैलेट ले सकते हैं. सबसे पहले हम एक मीडियम ब्राउन शेड लेके अपना सॉकेट बनाएंगे. सॉकेट बनाने के लिए हमने कलर को बिल्कुल क्रीज के ऊपर रखना होता है और सॉफ्टली ब्लेंड करना होता है. इस कलर को हम बिल्कुल भी आईब्रोज के पास नहीं लेके जाएंगे, क्रीज लाइन के पास पास ही रखेंगे और थोड़ा सा आउटर कॉर्नर पे भी अप्लाई करेंगे. इससे आपको एक गाइडलाइन मिल जाएगी अपने बाकी कलर्स अप्लाई करने के लिए. अब मैं ये लाइट शेड लेके हल्का हल्का सा इसके एजेस को ब्लेंड कर रही हूँ. स्मोकी आई मेकअप करते हुए कभी भी डार्क शेड्स को बहुत ज़्यादा ऊपर तक मत लेके जाएं वरना लुक बहुत अजीब सा मडी सा लगने लगता है जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. इसके बाद मैं ये वॉर्म ब्राउन शेड लेके इसको सबसे पहले अपनी क्रीज में अप्लाई करूँगी और मैं बहुत लाइटली अप्लाई कर रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा ब्रश के ऊपर लेके नहीं लगा रही. इस शेड को भी बिल्कुल भी हमने क्रीज से ऊपर लेके नहीं जाना. और अब मैं एक न्यूट्रल सा ऑरेंज कलर लेके अपने क्रीज शेड्स को ब्लेंड कर रही हूँ. ये ऑरेंज कलर बिल्कुल भी ब्राइट ऑरेंज नहीं है, इट इज़ अ वेरी न्यूट्रल शेड. और अब आपने ब्लैक आई शेडो लेके इसको लाइनर की तरह से अप्लाई करना है. आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रिसाइज लाइनर लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये ख्याल रखें कि बीच में कोई गैप्स ना हो. अच्छी तरह से ये ब्लैक शेड आपकी लैश लाइन को कवर करे, थोड़ी सी थिक लाइन ही ड्रॉ करें. इसके बाद मैं ये डार्क ब्राउन शेड लेके इस लाइनर को स्मच करूँगी. स्मच करने में और ब्लेंड करने में ये फ़र्क होता है कि हम ब्लेंड करते हुए शेड्स को थोड़ा सा उनकी ओरिजिनल जगह से ऊपर तक ले जाते हैं लेकिन स्मच करते हुए हमने बिल्कुल लाइन के ऊपर ही रखना होता है ब्रश को अपने. और बेसिकली यही दोनों स्टेप स्मोकी लाइनर आपको एंड रिजल्ट दे देते हैं. अब मैं सबसे पहला वाला ब्राउन शेड अप्लाई कर रही हूँ अपनी लोअर लिड पे और मैंने अपनी लोअर लिड को प्राइम नहीं किया है प्राइमर से क्योंकि यहाँ मेरे डार्क सर्कल्स एक्चुअली मेरे काम आ रहे हैं. इसके बाद मैं वॉर्म ब्राउन शेड लेके ब्लेंड करूँगी पहले शेड को और इस शेड से मैं थोड़ा सा लाइनर भी ऊपर वाला ब्लेंड करूँगी. अब मैं ब्राउन पेंसिल लेके इससे अपनी पूरी आईज लाइन कर रही हूँ. बेसिकली काजल की तरह लगाना है इसको. वाटरप्रूफ पेंसिल ले लें तो बहुत ही अच्छा होगा. और मैं इस पेंसिल को हल्का सा अपनी लैश लाइन में भी लगा रही हूँ. अब मैं डार्क ब्राउन शेड लेके इसको अपनी लैश लाइन में ब्लेंड करते हुए लगा रही हूँ. और अब मैं ब्लैक आई शेडो को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोमिनेंट करने के लिए हल्का हल्का सा अपनी लैश लाइन के पास दोबारा अप्लाई कर रही हूँ. हाईलाइट के लिए मैंने मैट शेड यूज़ किया है इनर कॉर्नर में और ब्राउ बोन हाईलाइट के लिए मैंने शिमरी शेड यूज़ किया था. और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फेस मेकअप, जिसके लिए मैं सबसे पहले मॉइस्चराइज़ करूँगी. अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र को मसाज करें स्किन में. मैं ये दो फाउंडेशन ले रही हूँ, इनमें से एक मैट है और एक ल्यूमिनस है. क्योंकि मेरी ड्राई स्किन है इसलिए मैं थोड़ा सा ल्यूमिनस फाउंडेशन मिक्स करती हूँ अपने मैट फाउंडेशन में. ये शेड आपको थोड़ा सा डार्क लगेगा मेरी स्किन से बट आई लाइक टू लुक टैन समटाइम्स, इसलिए मैंने ये शेड यूज़ किया है. मैं सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी. फाउंडेशन की बिल्कुल इवन लेयर लगनी चाहिए.
और जिस जगह पे ज़्यादा आपको कवरेज चाहिए वहाँ पे थोड़ा सा और फाउंडेशन टैप कर लें अपनी स्किन में। इसके बाद मैं ये ब्राइटनिंग कंसीलर लगा रही हूँ, और मुझे अपने फेस को बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं करना है इस लुक के लिए, तो मैं सिर्फ इसको अपनी आईज़ के नीचे ही अप्लाई करूँगी। और अगर आपको लग रहा होगा कि इससे हमारा आई शेडो ना ख़राब हो जाए, तो डोंट वरी, आई विल शो यू हाउ टू ब्लेंड इट। पहले आप ब्लेंडर से किसी भी स्पंज से हल्का हल्का सा इसको ब्लेंड कर लें। आपने बहुत ज़्यादा इसको फेस पे स्वाइप नहीं करना, अपनी स्किन के ऊपर आपने टैप करना है। और आई शेडो के पास ब्लेंड करने के लिए हम छोटा सा कोई भी ब्लेंडिंग या स्टिपलिंग ब्रश यूज़ करेंगे। आपको ज़रूरी नहीं है कि स्पंज अपनी आई शेडो कलर्स तक लेके जाएं, कोई भी इस शेप का ब्रश ले लें और अपनी आईज़ के नीचे ईजीली ब्लेंड कर लें। और अब आएगा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप, जो कि अपने मेकअप को सेट करना है, जिसके लिए हम पाउडर यूज़ करते हैं। यहाँ मैंने आपको कॉम्पैक्ट पाउडर्स ही दिखाए हैं, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर्स यूज़ करना बहुत ईजी होता है और लूज़ पाउडर्स में समझ नहीं आता कि इंसान कितना लगाए। अंडर आइज़ के लिए मैं थोड़ा सा लाइट शेड ले रही हूँ, और मैं इससे हल्का सा अपने फेस को ब्राइटन कर रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा चिन पे और फोरहेड पे जो मैंने लगाया। बाकी पूरे फेस को सेट करने के लिए मैंने ये पाउडर लिया है, जो कि बिल्कुल मेरे फाउंडेशन से परफेक्टली मैच करता है, और मैं इससे अपना पूरा फेस सेट करूँगी। जब भी गर्मी का मौसम हो, आप ज़रूर अपने फेस को पूरा पाउडर से सेट करें, वरना आपका मेकअप मेल्ट हो जाएगा। अगर आपने कंफर्म करना है कि आपका मेकअप अच्छी तरह से सेट हो गया है, तो उसके लिए आप अपनी फिंगर्स से अपने फाउंडेशन को टैप करके देखें, अगर आपको वेटनेस फील हो रही हो तो उस जगह के ऊपर दोबारा से हल्का सा पाउडर लगा लें। और अब हम करेंगे कॉन्टोर, जिसके लिए मैं ये पाउडर कॉन्टोर किट यूज़ कर रही हूँ। हमेशा अपनी फेस शेप के हिसाब से कॉन्टोर करें। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंट तरह के फेसेस को किस तरह कॉन्टोर करना होता है, तो मैं उसके लिए आपको बिल्कुल एक सेपरेट इन डेप्थ वीडियो बना के बता सकती हूँ। सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। फॉर रेफरेंस, मेरी फेस शेप ओवल है। इफ़ यू हैव एन ओवल फेस, आप मेरी कॉन्टोर प्लेसमेंट को देख सकते हैं और कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मैं नोज़ कॉन्टोर करूँगी। उसके लिए मैं बस ये लाइट सा कॉन्टोर शेड ले रही हूँ, ज़्यादा खास ड्रामेटिक कॉन्टोर नहीं कर रही, लेकिन नोज़ को खाली छोड़ देंगे तो बिल्कुल अजीब सी लगती है कि बाकी पूरी फेस में तो डायमेंशन है और नोज़ बिल्कुल खाली है, इसलिए नोज़ को हल्का सा कॉन्टोर ज़रूर करें। और अब मैं अप्लाई करूँगी ब्रॉन्जर। बेसिकली तो ये एक ब्लश है, लेकिन मेरी स्किन के ऊपर ये ब्रॉन्जर की तरह का इफ़ेक्ट देता है, और क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोई है तो इससे हमें थोड़ा सा हाईलाइट का इफ़ेक्ट भी मिल जाएगा। इस लुक में हमने हाईलाइटर अप्लाई नहीं करना, बिकॉज इट इज़ अ वेरी मैट लुक, लेकिन इस ब्लश स्लैश ब्रॉन्जर से हमें अच्छा सा ग्लो मिल जाएगा, एंड यू नो आई लव अ गुड ग्लो। आई थिंक जैकलिन का फेस बहुत ज़्यादा ग्लोई नहीं था, बट मुझे ग्लोई स्किन पसंद है, इस वजह से मैं ग्लोई ब्रॉन्जर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ग्लो नहीं चाहिए तो आप मैट ब्रॉन्जर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ब्रॉन्जर के बाद हम अप्लाई करेंगे ब्लश, जिसके लिए मैं ये पैलेट ले रही हूँ। आई लव दीज कलर्स। मैंने इस लुक के लिए ट्रेडिशनल ब्लश प्लेसमेंट की है। मैंने आजकल जो ब्लश ट्रेंड चला हुआ है, बहुत ज़्यादा नोज़ के पास लगाना, उस तरह से नहीं लगाया। मैं हमेशा थोड़ा सा ब्लश अपने फेस के पैरामीटर्स में ज़रूर लगाती हूँ, मुझे इसका इफ़ेक्ट बहुत अच्छा लगता है। और अब हम अपने लिप्स को लाइन करेंगे। आप कोई भी ब्राउन लिप पेंसिल लेके लाइन कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा ओवरलाइन नहीं कर रही अपने लिप्स को इस लुक के लिए, सिर्फ अपनी लिप्स की शेप थोड़ी सी करेक्ट कर रही हूँ। आई थिंक जैकलिन की लिपस्टिक मैट थी, लेकिन क्योंकि आजकल इतनी गर्मी है, इसलिए मैं पहले एक क्रीमी सी बेस दूंगी अपने लिप्स को, जिसके लिए मैं ये ब्राउन लिपस्टिक लगा रही हूँ। गर्मियों में लिप्स बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, और अब मैं इस लिपस्टिक के ऊपर एक लिक्विड लिपस्टिक लगाऊंगी। जब भी मैं कोई इंस्पायर्ड लुक कर रही होती हूँ, तो मैं बेसिकली उसको 100% कॉपी नहीं करती, मैं ज़रूर अपना पर्सनल टच देती हूँ। और अब हम अप्लाई करेंगे मस्कारा। आई थिंक जैकलिन ने फॉल्स लैशेज अप्लाई नहीं की हुई थी, और अगर की हुई भी थी तो वो बहुत ज़्यादा सटल थी।
बिकॉज मेरी फॉर्स लैशेज से रिलेशनशिप बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और अब मैं ये डॉट्स ड्रॉ कर रही हूँ. आई थिंक दे आर सो क्यूट. और हमारा मेकअप कंप्लीट हो गया. मैं आपको इसके बाद ये भी दिखाऊंगी कि ये मेकअप 4 घंटे और 8 घंटे के बाद कैसा लग रहा था विदाउट एनी टचअप्स. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आपकी समझ में आए होंगे सारे स्टेप्स. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में मुझे दें और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलें. एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.